those medical pills that push me over. Good day people, what's up? I hope that you are staying safe and doing well. Welcome back again to my YouTube channel. And आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है कि मोस्ट आस्क क्वेश्चंस इन पेजेंट्स. बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पर डीएम करा था कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि पेजेंट लाइन में कॉमन क्वेश्चंस क्या होते हैं जो पूछे जाते हैं. तो यार वैसे तो बहुत ही सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं और मैं यार दूरदर्शी तो हूँ नहीं कि मेरे को पता होगा कि आपसे लोग कौन सा ही क्वेश्चन पूछेंगे. बट जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होते हैं ना जिनके हायर चांसेस होते हैं आपसे पूछे जाने के, अपने एक्सपीरियंस से मैं वो शेयर कर रहा हूँ कि जैसे मैं कभी जजिंग पर जाता हूँ तो मैं कौन से कॉमन क्वेश्चंस पूछता हूँ लोगों से ज़्यादातर, या मेरे से लाइक जब मैं ऑडिशंस देता था या आज भी ऑडिशंस देता हूँ तो मेरे से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो तीन ऐसे कॉमन क्वेश्चंस हैं. सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन है कि आपको मॉडल क्यों बनना है. तो यार ऐसे ही मैं ऑडिशन ले रहा था दिल्ली सिनेमा में एक बार, मतलब उनका जो सीज़न 2 आ रहा है मिस टैन मिस कैपिटल का, उसके मैं ऑडिशंस ले रहा था. वन कैंडिडेट केम एंड आई आस्क्ड हिम कि आपको मॉडल क्यों बनना है, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ मॉडल. तो उसने जो आंसर दिया उसने मुझे बहुत हिट करा. तो ये आंसर आप लोग भी दे सकते हो कि ही सेड कि सर मॉडल तो यहाँ सभी बनने आए हैं, मुझे रोल मॉडल बनना है. एंड लिटरली आई वॉज वेरी फ्लैबरगेस्टेड, आई वॉज सरप्राइज्ड कि यार क्या आंसर दे दिया इसने, बिकॉज यार बहुत ही अच्छा आंसर था. एंड उसके बाद मुझसे भी कभी किसी ने पूछा ना कि आपने मॉडलिंग लाइन क्यों चूज़ करी, आपको मॉडल क्यों बनना है, तो मैं भी यही बोलता हूँ कि मुझे एक मॉडल नहीं रोल मॉडल बनना है. रोल मॉडल मीन्स इंस्पिरेशन, या जिसको आप लोग फॉलो करते हो, जिनसे आप लोग सीखते हो, उसको हम रोल मॉडल कहते हैं. एंड दैट्स इट, ये आप आंसर दे सकते हो. सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि अगर आप ये टाइटल जीत जाते हो तो उसके बाद आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, या इसको घुमा के ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू विन दिस टाइटल, आपको ये टाइटल क्यों जीतना है. तो इसका आप आंसर दे सकते हो कि अगर मैं ये टाइटल जीत जाता हूँ, इफ़ आई गेट अ गोल्डन चांस टू विन दिस टाइटल, तो इट बिकम्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं उस टाइटल को मेंटेन करूं, उसको अच्छी हाइट्स पर लेकर जा सकूं इन अ पॉजिटिव मैनर जितना मेरे से पॉसिबल हो. एंड मैं इतनी मेहनत करूं इस टाइटल को लेकर, मैं इतना वर्क करूं कि अभी अगर यहाँ पर 10 लोग कम्पीट कर रहे हैं ना इस टाइटल के लिए, तो आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब इस टाइटल के लिए लोगों को कम्पीट करना हो तो वो उसके 2 या 3 times ज़्यादा आ रखे हों. एंड ये क्वेश्चन यार मुझसे भी बहुत बार पूछा गया है और मैं तो इसका यही आंसर देता हूँ. बाकी आप लोगों के पास इससे कोई बेस्ट आंसर हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वरना जिन लोगों को नहीं पता था आप लोग ये आंसर दे सकते हो. सो द थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दैट इफ़ यू गेट ए चांस टू चेंज एनीथिंग फ्रॉम योर पास्ट, व्हाट इट वुड बी. अगर आपको चांस मिलता है अपने पास्ट से कोई चीज़ चेंज करने का तो आप क्या करना चाहोगे. इसके यार 2 answers हैं. एक तो जब आई वॉज कम्पीटिंग फॉर मिस्टर कैपिटल, तब मेरे से, मतलब मेरे से नहीं, जो विनर थे मिस्टर कैपिटल के हमारे प्रशांत भाई, उनसे पूछा गया था यही क्वेश्चन. तो उन्होंने आंसर दिया था कि आई डोंट वॉन्ट चेंज एनीथिंग फ्रॉम माई पास्ट, आई वॉन्ट मेक माई फ्यूचर परफेक्ट. मेरे को अपने पास्ट से कुछ चेंज नहीं करना, मुझे अपना फ्यूचर परफेक्ट करना है. ये भी बहुत अच्छा आंसर था, शॉर्ट क्रिस्पी क्लियर कंसाइज. तो आप ये आंसर भी दे सकते हो. एंड सेकंड जो यार आंसर है वो मैं देता हूँ अगर कोई मेरे से क्वेश्चन पूछता है कि नो, बिकॉज मेरे को रिग्रेट नहीं है अपने किसी डिसीजन पर पास्ट के, बिकॉज एक टाइम पर वो चीज़ वही थी जो मेरे को चाहिए थी. चाहे वो डिसीजन गलत हुआ हो तो मैंने उससे सीखा, मैंने उससे एक्सपीरियंस करा, और अगर वो डिसीजन सही था तो मेरे को उससे सक्सेस मिली. एज अ रिजल्ट, एज अ कंक्लूजन, मैं आज जो कुछ भी हूँ और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उन्हीं डिसीजंस की बदौलत पर हूँ. तो मुझे अपने पास्ट से कुछ नहीं बदलना. इन दोनों में से जो बेस्ट आंसर आपको लगा आप दे सकते हो, ठीक है. और अगर आपके पास कोई अच्छा आंसर हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो. सो दीज वर द क्वेश्चंस जो मेरे अकॉर्डिंग, मेरी नॉलेज में, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरी नॉलेज में मेरे को लगे कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं. और भी क्वेश्चंस हैं बहुत सारे जो पूछे जाते हैं, बट यार मेरे को यही लगे 3 questions. तो मैंने इनके लिए वीडियो बना दी आप लोगों को, मतलब बताने के लिए कि कैसे आंसर दे. और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, कभी भी कोई भी जज आपसे क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले उनको थैंक यू बोलना, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. इससे आपका एक अच्छा इंटरेक्शन भी होता है और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है. ये गलती मैंने एक बार कर रखी है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ. एंड फॉर मोर टॉपिक्स आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट टॉपिक्स ड्रॉप कर सकते हो मॉडलिंग के लिए, या मेरे को इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम कर सकते हो. कीप लविंग एंड सपोर्टिंग गाइस, साइन आउट.